हिंदुस्तान दुनिया में किसानों की भूमि कहा जाने वाला ये देश, जहां फसलें लहलहाती हैं, जहां धरती मां कहलाती है, जहां हर दिल में आस्था बसती है, हर धर्म में इंसानियत दिखती है, करोड़ों दिलों की धड़कन से बनता है हिंदुस्तान, और उस हिंदुस्तान की शान है आगरा। यह शहर है गालिब की किलकारियों का, यह शहर है मीर की कलम का, यह शहर है बेपनाह मोहब्बत की निशानी ताजमहल का। अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम, अतुल्य, अमूल्य हिंदुस्तान की आन बान शान। कितने ही मौसम, कितने ही शासन, कितनी ही सदियां आईं और गईं, पर आज भी अडिग है शाहजहां मुमताज की अमर प्रेम की ये खूबसूरत निशानी, ताजमहल विश्व का अजूबा। चले यार दिनेश, पैकअप है आज का। क्यों 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 क्यों, क्यों? क्योंकि सीएम साहब अब महोत्सव की ओपनिंग के लिए नहीं आने वाले हैं। चल आज आज का दिन टोटल वेस्ट हुआ ना, यही होता है यहाँ पे। कुछ नहीं है, कह रही हूँ कुछ नहीं हो सकता है। ये कहाँ घुसो आ रहा है खुदा बख्श, रो क्या ना, देख देख ए तू जा, तू देख ए तू जा, तू देख लेना यार। ए रुको, कहाँ भाग रहे हो? ए रुको रुको रुको, अंदर बना, चल चला तू आए, चल चला तू, चल चला तू आए, चल चला तू, चल चला तू आए, चल चला तू। रुक 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 रुक, नीचे उतर, नीचे उतर। ए तू भी नीचे उतर जल्दी। ये सब क्या है? माजनाव है? डायरेक्टर को नाव कह रहा है? नहीं नहीं, नाव बोले तो मेरा नाम, नाम मेरा नाम तुकाराम राव साहेब मराठी। ये मेरी बाइक है सुनंदा, आणि ही माझी मुलगी। नेक सी बच्ची को मुर्गी कह रहे हो? मुर्गी नहीं, मुर्गी नहीं, मुलगी, मुलगी बोले तो मेरी बेटी, बेटी मेरी, समझ बच्ची गया। अच्छा अच्छा, तू ताजमहल घूमने आया है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उस पे कब्जा करने आया है। मैं बहुत टेढ़ो आदमी हूँ मैं। हो, पर थोबड़े से तो सीधा दिखता है, हो ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जा कबाड़ ने, पीछे करो पीछे करो, और वो ताजमहल के अंदर जाना तो जाओ। काहे को लेकिन? कोई भी डीजल पेट्रोल की गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते, प्रदूषण के कारण ताज का संगमरमर काला पड़ रहा है। संगमरमर बोले तो सोपा है, संगमरमर जब दो से ज्यादा लोग एक संग मरता है ना, तो उसको संगमरमर ऐसा बोलते हैं। देखो साहब कैसा है, अंदर मैं भी जाएगा मेरा परिवार के साथ, और मेरा गाड़ी को भी लेके जाएगा। नहीं तो सारा सामान अंदर कैसे लेके जाएगा? जे सामान लेकर ताजमहल के अंदर जाएगा। देखो जे सारा सामान ताजमहल के अंदर नहीं जा सकता, अकेले जाना तो जाओ। ए अभी मजाक मस्ती बहुत हो गया, बोला ना इधर घूमने का हमने नहीं आया। तन्वी न्यूज़ मिल गई, अंदर मैं भी जाएगा, मेरा परिवार भी जाएगा, और मेरा गाड़ी के साथ में मेरा सामान भी जाएगा। मैं देखता है मेरे कौन रोकता है। ए बसा गाड़ी मत चम आयला। बजरंगी सर, इन्हें ताजमहल के अंदर घुसने मत देना। जी, और इनका सामान उठा के बाहर फेंक, चलो निकलो यहां से, चलो यहां से। मेरे मर्द से इज्जत से बात करने का। अच्छा
श्रीमान जी, श्रीमती जी, आप लोग निकलिए यहाँ से, फुटिए, जाइए अपने घर। ए, अभी इज्जत से बोलता है मैं आखिरी टाइम। मैं बोला ना, मेरे साथ मेरा बीवी, बच्चा, गाड़ी, सामान सब अंदर जाएगा। हाँ, और अगर मेरे को अंदर जाने नहीं दिया ना, आई शपथ बोलता है मैं इधर ही धरना देगा, इधर ही। क्या बोला तू? आई शपथ बोले तो माँ कसम। नहीं नहीं, इससे पहले क्या बोला तू? उसके आगे बोला मैं धरना देगा, इधर ही धरना देगा। अबे ये जगह तेरे बाप की है। ज़ूम कर इस पे। बाप की नहीं है, मेरे दादा की है। नहीं, दादा की नहीं, मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा की। दयाराम बापू साहेब मराठी, उनका जमीन है ये। दादा, मैं सच बोलता है, आपको यकीन नहीं है? अरे ये ताजमहल का पूरा जमीन है ना, यहाँ हमारा, यहाँ मेरा परदादा का है। शाहजहां ने मेरा परदादा से छीन के वहाँ पे अपना औरत का, कौन सा औरत? चार नंबर का औरत। हाँ, जो औरत के पति को मार के उससे शादी बनाया ना, वो औरत। वो औरत जिससे एक के बाद एक 14 बच्चा पैदा हुआ ना, वो औरत। उसी औरत का इधर समाधि बनाया है वो शाहजहां ने, और वो मरने के बाद उसका बहन के साथ पटक से शादी बना लिया, और बोलते प्यार का निशानी। अरे प्यार किधर है इसमें? अभी बहुत हो गया, अभी मेरे को मेरा जमीन वापस मांगता है, इसलिए मैं इतना लंबा से इधर तक आया। घोसला का डोस क्या पिसने एक्टर। और अभी मैंने ठान लिया है, मैं इधर से ताजमहल को हटा के अपना जमीन वापस लेके जाएगा, धरना देगा, मैं इधर ही धरना देगा, दादा के परदादा के परदादा के दादा। कम ऑन तन्वी, क्या हो गया है तुम्हें? अब हम इस टाइप की घटिया न्यूज़ टेलीकास्ट करेंगे? मैम, आपने हमेशा मुझ पे विश्वास किया है, मैंने आपको कभी लंदान नहीं किया। प्लीज प्लीज बिलीव मी कि न्यूज़ में बहुत पोटेंशियल है। ओके, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो गो अहेड। मेरा परदादा ने आवाज उठाया था पर उनका आवाज को दबा दिया गया। फिर मेरा दादा ने भी आवाज। ताजमहल की जमीन उसके पुरखों की है, ऐसा दिलचस्प दावा महाराष्ट्र से आगरा आए एक किसान तुकाराम ने किया है। उनको शहीद कर दिया गया, देव उनका आत्मा को शांति दियो। और जबरन उसे हथियार कर उस पर ताजमहल बनवाया गया है। मतलब मैं चुप नहीं बैठेगा, मैं अपना जमीन वापस लेके चलेगा। मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा की, दयाराम बापू साहेब मराठी, उनका जमीन है ये। जो भाई, जय का हो रहा है? अरे एक आदमी महाराज से आकर आगरा में धरना दे दिया, कहता है कि ताजमहल उसका है। घंटा उसका है, जाके बाप का राज का। ताजमहल का पूरा जमीन हमारा है और वो हमको मांगता है। बस अभी सरकार को फैसला करने का है कि वहाँ से ताजमहल को हटाने का। बड़ी खबर आगरा से आ रही है। बहुत बड़ी बात है इस मुद्दे में, हमें लगता है हमें इसमें कूद पड़ना चाहिए। नहीं शीला, अभी इस मुद्दे को ना थोड़ा और पकने दो, अभी खाने का मौका नहीं आया। अरे राणा, तुझे का जेल में दूध कम मिल रहा होगा का? अरे भैया खूब मिलो है, जेल मंत्री के सेवक जो ठहरे। तो फिर चोर काई नहीं लगा रहे? अरे भैया लगा रहे हो, लगा रहे। सीएम साहब को फोन आ गया। प्रणाम बड़े भैया। अरे प्रणाम छोड़ो, सत्ता की चिंता करो, कुर्सी पिछवाड़े से खिसकने वाली है। अरे भैया कौनो गलती है गई क्या हमसे? टीवी चल रहा है का? टीवी तो चल रहा हो। हाँ तो देख रहे हो कोई अश्लील पिक्चर और का? अरे ना ना भैया, वो तो कब के छोड़ रहा हूँ हमने, अब तो बस आस्था चैनल लगा के योगासन कर रहे हैं भैया। अरे न्यूज चैनल लगाओ, न्यूज चैनल। हाँ, योगासन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ताजमहल की जमीन उसके पुरखों की है और उसे जबरन हथियाकर उस पर ताजमहल बनवाया गया है। ताजमहल का पूरा जमीन हमारा है और वो हमको मांगता है। बस वहीं चारों तरफ इसकी चर्चा छाई हुई है, पुलिस और प्रशासन इसे एक व्यक्ति का पागलपन बता रही है। यार अभी सरकार को फैसला करने का है कि वहाँ से ताजमहल को हटाने का और हमारा जमीन हमको वापस देने का। सेक्स स्कैंडल से हाल ही में बचे मंत्री विसर्जन फिर विवादों में आ गए। अरे जेका कांड है का यार। हे हथकड़ी मैया, कला में ही रहना, हाथ में ना आना। मेरा दादा ने भी आवाज उठाया था, अरे महात्मा गांधी से भी जाके मिला था, पर उनका फैसला सुनाने का पहले ही किसी ने उनको शहीद कर दिया। अभी जय हिंद सर। ये कहा हो रहा हुआ शहर में? टीवी पे न्यूज नहीं देखा का? हाँ सर,
ताजमहल का न्यूज देख रहे थे, माइंड अपसेट हो गया, टीवी बंद कर दिए। अरे ये टीवी बंद करने से समस्या खत्म नहीं है जाएगी, बाय अरेस्ट करो चुपचाप। यस सर। अच्छा आप एक सेकंड, एक्सक्यूज मी जी। हेलो, आप ब्रिजेश? जैन जीजू शट अप। हम तुमको हजार बार बोले हैं कि ड्यूटी में जो है रिलेशनशिप को मत घुसाया करो। हम तुम्हारे सीनियर हैं, समझ गए ना? सर बोलो, सर सर। अच्छा सर जी। अच्छा आपको गले को मोच कैसे हुए? अरे बुढ़वा, अरे मोच पाँव में होता है, गला में नहीं होता है रे। इसी चक्कर में हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं और तुम अपनी मनमानी की जा रहे हो। का है? जूस नहीं, हमारा खून हमको पिला दो, खून पिला दो, जाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये ताजमहल के आसपास का तुम्हारे बाप की शादी हो रही है जो भीड़ इकट्ठा करके रखी है? सर जी मेरे रहते हुए कुछ हो सकता है? अरे इसी बात का तो डर है कि तुम वहाँ हो। तुकाराम, उसको हटाओ, गेट लॉस्ट, नहीं तो हम तुमको ऐसे गायब करेंगे ना बेटा कि जिंदगी भर गूगल में सर्च करने पर भी लौकोगे नहीं। सर जी आप तो बस हुक्म करो। अरे अरेस्ट करो उसको। जी सर जी। हाँ ये जीजू भी ना, अभी मेरे को यहाँ क्या अखा दिन हो गए लाए, लेकिन अभी भी सरकार से कोई भी मेरा समस्या का समाधान करने नहीं आया है। अभी जब तक मेरे को मेरा ताजमहल का जमीन नहीं मिलता है तब तक मैं मेरा पूरा परिवार के साथ अनशन करेगा, अनशन। जब इधर से तीन अर्थी उठेगा तभी सरकार जागेगी। तभी ए तुकाराम, एसएसपी साहब ने ऑर्डर दिया है तुम्हें अरेस्ट करने को। ऐसा कैसे अरेस्ट करेगा, क्या जुर्म किया मेरे मरद ने? क्या जुर्म किया है? जहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है तुम्हारे कारण ताजमहल की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। ये स्वतंत्र भारत है, इंटरडिपेंडेंट इंडिया, इधर सबको बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है पर जहाँ नहीं, जहाँ बोलने के लिए परमिशन चाहिए होती है। हंस क्यों रहे हो? अरे तुमने परमिशन का बात किया ना तो मेरे को हंसने को आ गया। तुमको परमिशन मांगता है? हाँ। परमिशन? हाँ। मेरे पास बहुत बड़ा परमिशन देखा। ये आगे देना मतलब खा जा लिए। पीछे हटिए। ये मिले साहब का चिट्ठी, जब उनका वार दिवस था ना, मंजे जन्मदिन हम दोनों गया था उनको बधाई देने को।
नमस्कार साहब, परमिशन मांगते हैं। वो हम वो लावणी करते ना, लावणी आगे दाखो की यार ढिंग चैक ढिंग चैक ढिंग चैक ढिंग चैक ढिंग चैक। ये क्या कर रहे हो? तब भाई मैं कहूं कि तुम्हारे शक्ल जो है जाने पहचाने से क्यों लग रही है? मेरी लिखी हुई परमिशन दिखाओ। हो अहोदया की जा, मैं कहां लिखो है कि तुम दोनों यही धरना दोगे? कहां लिखो है बताओ बताओ? ये पंत किधर लिखा है कि लावणी करने वाला है? खाली इतना ही लिखा है कि हमको इधर पब्लिक के बीच में तमाशा दिखाने का है, तो दिखाता ना तमाशा। ए पिछले एक्टर साहब, अभी सबको अगर मालूम पड़ गया ना कि तुम इच मेरे को परमिशन दिया और अब तुम इच मेरे को गिरफ्तार करने वाला है, तो क्या होएगा मालूम है? इसमें तुम इच फंसेगा और तुम्हारा हवलदार लोग है ना, तुम्हारा डंडा लेके तुम्हारे पिछवाड़े पे मार के तुम कुछ तुम्हारे जेल के अंदर डाल देगा। जी साहब। अरे कुछ नहीं, सपना देखा। सर बात तो ये आदमी एकदम सही कह रहा है, आप ही उलझ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ चिंगारी को हवा देकर शोला बनने दीजिए, और जब वो भड़कने लगे तो बुझा देना, सारी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा, हीरो कहलाएंगे आप, हीरो। ये बात बिल्कुल सही है। तुकाराम देखो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। अच्छा अच्छा, अगर तुम शांति के साथ धरना दोगे ना, तो मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ ना तुम्हें परेशानी होगी और ना ही हमें। ऐसी कौन सी जगह है, किधर है? पास में ही है। ए काय मंती, ऐसे थोड़ी चलेगा, ताजमहल तो उधर है ना। ए क्या बोलते हैं? क्या बोलता है तुम्हें? जे देखिए ताज। गए सुंदरी बक्तेस का, हा? अरे यही चे वो ताजमहल जो अपने जमीन पे बना है। अरे कितना सुंदर है ये, और कितना बड़ा है, इसको उखाड़ने में बहुत टाइम लगेगा। मला एक सांगा हो, अपनी जमीन तो 80 बोले तो 80 बिगा है, ये तो 80 बिगा दिखता ही नहीं। अरे हाउ ना, ए एक मिनट। पिछनेक्टर साहब, अरे ये तो खाली 42 टिम्बर 5 बीघा है, मतलब 42.5 बीघा है, बाकी का जमीन किधर है? कुट है। हाँ? वारे वाह बजरंगी, जे हाथ की जमीन नापने की मशीन। ए बदले का मुद्दा खाएगा गुद्दा, बाकी का जमीन किधर है? अरे जे मुझे क्या पता है? साजन ने तुम्हारी जमीन हड़पी, उनसे जाके पूछो। मंजे तुम ये मानता है ना कि जमीन हमारा ही चाहिए? हाँ मानता है कि नहीं? मानता है। अरे जय मुझे क्या पता, इधर का व्यवस्था कौन संभालता है? हम तो किसको मालूम होना मांगता है? तुमको इचना है? बरोबर बोली, तू बरोबर बोली। जय जमीन है ना, ये देखो वो जो है ना बेहता बाग है, जहाँ पे शाहजहां काला ताजमहल बनवा रहा था, जो बना ही नहीं। अब जय जमीन और जय जमीन दोनों मिला करके सगरी के सगरी 80 बीघा है जाएगी। अभी कैसा है पिछनेक्टर साहब, अभी मेरे को खाली ताजमहल नहीं चाहिए, अभी मेरे को वो मेहता साहब का जो बाग है वो मिला के मेरे को पूरा मेरा 80 बीघा जमीन चाहिए। 80 बीघा, ये पायापड़ पायापड़ आई पायापड़ तो कितने टाइम से अपना जमीन उनके कब्जे में? कोई बात नहीं,
अभी इधर तंबू ठोकेगा और अपना जमीन के वास्ते लड़ेगा। हाँ लड़ेगा तीचा मायला लड़ेगा मंजे का आप ही से। मैं इधर आ मरण उपोषण करना। अरे मैं इधर मरते दम तक भूख हड़ताल करेगा आप भी। मी पण। हाँ। आई बाबा मी पण। ही पण आणि हिचे गुडिया पण सगळे। इस मामले में बड़ी बात ये है कि तुकाराम की मासूम बच्ची भी भूख हड़ताल में उसका साथ दे रही है। तो बस अब ये देखना है कि ये नन्ही भूख की आग कहाँ तक और कितनी दूर तक फैलती है। जहाँ देखो जिसे देखो कोई ना कोई स्ट्राइक करता रहता है। तुकाराम के धरने के बाद लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। पूरे देश भर से मिश्रित राजनीतिक पार्टी अपने आदमी खड़ा करती है और आग लगाती है। हाँ एक मिनट भैया जी एसएसपी। जय हिंद सर जी। जय हिंद। टीवी वॉचिंग। हमारा बंदोबस्त कैसा लगा सर जी? राज आपका और ताजू ले जाए। अरे यार इसे अरेस्ट काहे नहीं करो यार। उसके पास आपका लेटर है ना सर जी, जो आपने वो पुलिस परमिशन के लिए लिख दिया था। मैंने कब? सर जी आपके हैप्पी बर्थडे में जब उसकी वाइफ ने आपको कुछ ठुके दिखाए थे। उरे मुरे मैयो, उरे जो तू नागनाथ निकलो यार। देखो एसएसपी, अब कछु भी है जाए, ये मामले को खत्म करो। आगरा के ताज जमीन विवाद घटनाक्रम ने आज एक नया रुख ले लिया है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सत्यकाम ट्रस्ट की रिहाना काजमी आने वाली हैं। तो बस अब ये देखना है कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है ताकि लोगों को लगे हम। अरे अरे वो रिहाना जी आ गई हैं। मैडम मैडम, अनशन का आज तीसरा दिन है और आप अब आ रही हैं। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि आंख बंद किया और टीवी पर छाने के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन से जुड़ गई। मैं गरीबों, महिलाओं और बच्चों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। नमस्ते। मैं तुकाराम, मेरी बाई को सुंदरी। आपका नाम? रिहाना काजमी। सरकार को इस मासूम के बारे में भी सोचना चाहिए। इस क्षेत्र के नेता कहाँ चले गए? क्या सो गए या अपना क्षेत्र छोड़कर भाग गए? ऐसे समय पर जो नेता जनता की समस्या का समाधान न करे, उसे अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। बराबर। आखिर ये बात सरकार समझ क्यों नहीं रही है? नौटंकी कहीं की। अगर तुकाराम गलत कर रहा है तो कोई आकर उससे इस विषय में बात क्यों नहीं करता? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सरकार तुकाराम के फैसले को सही करार दे रही है। ये तो बहुत ही पहुंची हुई औरत है। लोग मौके पर चौका मारते हैं तो सीधा छक्का मारने की कोशिश कर रही है। अरे बाबूजी ये तो बहुत ही घटिया औरत है। घंटा जे बहुत ही अच्छी औरत है, मैं जानू इसे। अच्छा है, बस देखता जा बेटा जे कैसे तिनके को पहाड़ बनाएगी और फिर हम उस पहाड़ पर चढ़कर अपनी जीत का झंडा फहराएंगे। ताजमहल देश की शान है। तुकाराम का अनशन जोर पकड़ चुका है, पूरा परिवार भूख हड़ताल पर है। तुकाराम हम तुम्हारे साथ हैं। है। कछु करनो पड़ेगो। इस तमाशे में तुकाराम की नन्ही बेटी भी दो दिन से भूख हड़ताल पर बैठी है। अपनी हमंगा मरान आस्ते एक छोटी जी बच्ची का सहारा लेना मैनू तो नहीं जानता जी। जे बच्ची नु कुछ हो गया ना ते लोका ने इना नु छोड़ना नहीं है। बेटा उठ बेटा। माजी पोगी। हे
हाथ लड़ाई से नहीं, लड़ाई से। हम लोग इधर रोने के वास्ते नहीं आए, अपने जमीन के वास्ते आए, अपने हक के वास्ते आए। हे लक्ष्मी, हे उठ बेटा, उठ। क्या करूं मैं? हे उठ ना बेटा, हे। हमें कछु बात नहीं करनी मीडिया वालन से ना, हम तो आज ये तुकाराम से बात करने आए हैं। तुकाराम, अरे निकलो बाहर। तुकाराम देखो कौन आए हुए है, आ जाओ। क्या बात है, अरे कमाल कर दिया यार तुमने तो, हैं क्या नौटंकी करी है यार जाने, क्या बात है, जबरदस्त है। क्या बोलते हैं इनकी भाषा में, लावणी। हाँ, तुम्ही केली लावणी ते माझी वाट लावली। ये सही बोला ना मैं, अभी मेरे को महाराष्ट्र में एंट्री मिल जाएगा ना, हैं? क्या समझता रे तू, महाराष्ट्र से इधर आ करके एक यूपी के भैया को खैनी की नाई मसल करके मुंह में बंद करके थूक देगा तू? देखो साहब, मैं पहले एक हिंदुस्तानी है, बाद में मराठी। जिस दिन एक हिंदुस्तानी दूसरा हिंदुस्तानी से बात करेगा ना, ये दुश्मनी लफड़ा सब खत्म हो जाएगा। जाओ साहब जाओ, पहले एक हिंदुस्तानी बन के आओ, उसका बाद में मैं आपसे बात करेगा। जाओ। ए घाटी, इज्जत से बोलने का, श्रीमान घाटी महाराज। श्रीमान घाटी महाराज काय को मालूम है, हम लोग घाटी लोग है ना, घाट घाट का पानी पी के लैशाना हो जाते हैं। हाँ, ये धोती कुर्ता लहंगा टोपी इसको नहीं देखने का रे, ये टोपी के अंदर का जो खोपड़ी है ना, इसको देखने का। खोपड़ी भेजा। हाँ, तो हमारी खोपड़ी में भूसो भरो है का, भूसो भरो है हमारी खोपड़ी में, मुंह रखे का हम। ए, ए, मैं ऐसा कब बोला, मैं बोला क्या मुंह रखे? मैं ऐसा बोला ही नहीं मैं। ए भैया, अरे भैया बोले तो भाई, और भाई रक्षक होता है रे, राक्षस नहीं। अरे पहचानो पहचानो तुम लोग अपने आप को, सबसे ज्यादा सीट ना तुम लोग का है। तुम लोग चाहेगा तो सत्ता बना भी सकता है, पलट भी सकता है। अरे लेकिन खाली अपना कुर्सी के बारे में नहीं सोचने का रे बाबा, कभी कभी ये देश के बारे में भी सोच लेने का। भैया जी, ये कुछ ज्यादा बोल रहा है। लेकिन सही बोल रहा है यार, इसे समझाना पड़ेगा। देखो भैया तुकाराम, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं यार, ये नतमस्तक है गए तुम्हारे आगे, अब ये बंद करो तमाशा यार, बंद करो बस। ए, तेरे को तमाशा लग रहा है, तेरे को ये तमाशा लग रहा है? तू जा आइला, मेरी बेटी मरने को पड़ी है, तेरे को तमाशा लग रहा है? अरे ये तमाशा नहीं तो का ये, का ये बेवकूफ समझो का हम है? साला अपनी बीबी को नचा करके लावणी करवा करके भार खा रहे हो सालो, भार खाओ साला। गलत बात नहीं बोलने का, और गाली तो आज बात नहीं देने का बोलता है। गाली दिया रे मैं, भार खाओ बोला, थाला बोला, ले थाला थाला थाला। तू जा आइला, तू जा। मंत्री जी आप शांत हो जाइए, हम लोग झगड़ा करने को नहीं आए। आप देखिए मंत्री, हम झगड़ा करने को नहीं आए। ये तूने हाथ उठा के ठीक नहीं करवाया तूने, क्या को बदलो लूंगो। अरे भाई बोला मैं, भाई बोला मैं, भाई, और तू मेरे को साला बोलता है, कैसा चलेगा? मैं गलत है तो पूछ ले पब्लिक से, ए आप किसी को भाई बोलता है वो आपको साला बोलता है, चलेगा क्या? शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत शांत, देखा था सब लोग, शांत शांत। आई आई लक्ष्मी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची कृपा माशी पुर्गी, देवाजी कृपा, मेरी बच्ची को होश आ गया रे बाबा। भैया जी यहाँ से निकल लेते,
बात बढ़ गई तो वापस नहीं जा पाएंगे। ए मेरा बहादुर बच्चा, ए बेटा, हिम्मत नहीं हारने का, मरते दम तक हिम्मत नहीं हारने का। जनाब, किसका फोन है? हाँ जी, हटिए हटिए, आप लोग पीछे, पीछे हटिए, थोड़ा तुकाराम। हाँ, मैं मजबूर हूँ, वो मंत्री ने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी है, जे करके तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। ए बिस्ने एक्टर, क्या किया मेरे मर्द ने? आरोपी को तो तुम छोड़ देता है, मेरे मर्द को पकड़ के लेके जाएगा? ते चम्मोलो। ए ए सुंदरी, अगर अपने देश में ये सच बोलने पे गांधी जी को भी गोली मिली थी, मेरे को सूली मिल गई तो भी कम है, क्या हो? हाँ चला, लेकिन इतना टाइम काहे को लगा अरेस्ट करने में? हाँ तू मेरा बहादुर बच्चा है ना, अपने आई का ख्याल रखेगा, रखेगा ना? बाबा अब भी आते हैं, आओ तो करो। तुकाराम, हम तुम्हारे साथ हैं, ये अन्याय है। देखो अभी कैसा है, अब मेरा परिवार को आप सबका मदद का जरूरत है, ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, अभी बस दो दिन बाकी है। तुकाराम जी, आखिर दो दिन बाद होने वाला क्या है? ये तो दो दिन बाद ही पता चलेगा। हाँ ये तो किया हुई। हाँ? अरे चुपचाप क्या खड़े हो, बोलते का है? नहीं, हमें लगो जाए अरेस्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें का पता तुझे कांड कर देगा भैया जी? हमें सफाई नहीं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तुमको मालूम है बात का अंजाम क्या होगा? आज वहाँ आरती हो रही है, कल को मुसलमान आके नमाज पढ़ेंगे, परसों हिंदू आएंगे कहेंगे यहाँ मंदिर बनेगा,
फिर मुसलमान कहेगा मस्जिद बनेगी, बस फिर तो काराम और ताजमहल तो कोने में रह जाएंगे और यहाँ दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। तुम नहीं समझते हो, इस देश में लोग धर्म को नहीं बल्कि जिद और अहंकार को पालते हैं। तुकाराम को रिहा करो, तुकाराम को इंसाफ दो, तुकाराम को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। नाना खोलने की जरूरत ना है, देखो नहीं जाए का पागलपन करो इसने है, इसे पागलपन के दौरा पड़त है। अरे सच बोलना, तेरे को डर लग रहा है, फट गई है तेरी गला, थोड़ा जोर से दबा दिया था ना मैंने। ये ज्यादा होशियारी करने की जरूरत ना है, हम तुझे ये बताने आए हैं कि तूने जो कल हमारे ऊपर हाथ उठाया ना, हम चाहें तो अब्बे के अब्बे तुझे दूसरे केस में फंसा के जन्म भर के लिए अंदर कर सकते हैं। बेहतरी जामई है कि निकल जाओ, आगरा से निकल जाओ, हम रिहा करा देते हैं। मंत्री जी, जा को छोड़ने की परमिशन मिल गई है। उरी मुरी अम्मा, अरे कौन ने दे दे यार इसकी जमानत? मैंने। मैंने कराई है इसकी जमानत। एमएलए साहब, हम जनता के सच्चे सेवक हैं, सेवा के लिए कुर्सी नहीं भावना होनी चाहिए। ए भैया, कल 11 बजे मिलना कोर्ट में, सब समझ में आ जाएगा तेरे को, चला आता निगा। केस नंबर 16302, तुकाराम राव साहब मराठे बनाम राज्य सरकार। कितने दिनों से कह रहा हूं इस कील को निकाल दो, कब चेंज करोगे इस कुर्सी को? जब रिटायर हो जाऊंगा तब। बेवकूफ, जज को कारपेंटर बना दिया, अब आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे मंत्री जी, आप विश्वकर्मा साहब, आप भी? यस मिलॉर्ड, मिलॉर्ड दरअसल ये सरकारी केस है, इसीलिए मुझे बुलाया गया है। समोर से वकील है तो। और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर श्री ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी भी मौजूद हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब आप लोग आए हैं तो केस भी बहुत मजबूत ही होगा और सामने वाला वकील भी उतना ही मजबूत होगा। साहब, मेरे पास कोई भी वकील नहीं, मेरे को जो बोलने का है ना मैं बोलेगा। मेरा नाम है तुकाराम राव साहब मराठी, मेरा केस भी सच्चा है, मैं भी सच्चा है। अरे वाह रे तुकाराम, तू तो बड़ा होशियार निकला। यहाँ पास में आओ, पास में आके बोलो। वहाँ आके बोलना पड़ेगा। अरे बस बस ना, मैं देता है, काहे को उठता है। ठीक है, ठीक। तुकाराम। हाँ साहब। तुमको मालूम है यहाँ कानून की जबान चलती है? साहब मेरी जबान भी बहुत चलती है, बहुत चलती है, मेरे को किसी का जबान लेने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। वापस वहाँ जाने का है? वहाँ था तो आपने यहाँ बुला ले, यहाँ से वापस वहाँ भेज रहे साहब। सरकारी वकील के सामने खड़े होकर बोलो। और हिलाओ जबान। यहाँ खड़े हो, यहाँ। बस बस बस। मिलॉर्ड दरअसल ये केस इन्होंने 2 साल पहले दर्ज किया था। इनका कहना है कि आगरा के पास इनकी कोई जमीन है जिसको इनके दादा से किसी ने छीन ली। दादा से नहीं, दादा से नहीं, मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा से। हाँ भैया, हाँ उसको छीन लिया। अब इनका ये कहना है मिलॉर्ड कि वो जमीन इन्हें वापस दिलवाई जाए। हाँ। भाई सबूत पेश करो और जमीन ले जाओ। हाँ। अच्छा अब तुम अदालत को बताओ कि तुम्हारी जमीन कहाँ है और किस इलाके में है। यमुना नदी के किनारे। मिलॉर्ड। हाँ। यमुना नदी के किनारे जमीन है। अच्छा कितनी जमीन है? 80 बीघा जमीन है साहब, 80 बीघा। साहब कैसा है, मैं थोड़ा हिल सकता है क्या? साहब कैसा है, 2 साल पहले हमने केस किया था साहब, 2 साल पहले, लेकिन हमारा फाइल भी बाकी सब फाइल की तरह बहुत सारा फाइल के नीचे दबके रह गया। तारीख पढ़ता था मैं आता था, फिर तारीख पढ़ता था मैं चला जाता था। मेरा हालत मतलब ना वो रबर का चेंडू होता है ना, चेंडू चेंडू क्या? चेंडू नहीं होता है क्या वो? चेंडू नहीं क्या वो, ऐसा ऐसा जाता है, छोड़ लेके जाता है, धर लेके आता है। गेंद गेंद। हाँ वैसा मेरा हालत हो गया साहब, 2 साल में ये कैलकुलेटर साहब। तुकाराम
कलेक्टर को कैलकुलेटर नहीं बोलते? अरे कलेक्टर साहब बोलो। अरे हाँ वही, दो साल हो गया साहब, लेकिन किसी ने जानने का कोशिश नहीं किया कि जो जमीन पे मैंने केस किया है वो ताजमहल का ही जमीन है। तुमने ताजमहल पर केस कर दिया? हाँ साहब। वाह भाई वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाते नहीं होगी। हाँ भरी है साहब। तुम्हें इसका सबूत पेश करना होगा। अरे साहब सबूत है ना, मेरे पास सबूत है, सब कागज पत्री सब है मेरे पास साहब। हाँ तो पेश करो। ए, सुंदरी आज। मिलोर्ड ये तो ऐसे कह रहा है जैसे खुद शहंशाह बाबर ने वो जमीन इसके पुश्तों के नाम की थी। क्या बाबर ने? अरे बाबर बाबा, उसका मुलगा बेटा, उसका बेटा बादशाह हुमायून, बादशाह हुमायून ने लिख के दिया। अच्छा? है उसका सबूत है ये। हाँ ये सबूत है मिलोर्ड उसका, ये देखो। हाँ ये सबूत तुम्हें बस बस पकता है ना बस। ठीक है ठीक है। हाँ संभाल के जरा। अरे भाई इसे पढ़ने के लिए तो हुमायूं को ऊपर से बुलाना पड़ेगा। वो फारसी में लिखा है ना। ओ फारसी में। क्या लिखा है इसमें? यही कि जमीन हमारा है। हाँ वो बादशाह हुमायूं ने 1539 में लिख के दिया है। वो देखो ना उनका हस्ताक्षर है नीचे, नीचे मोर भी है उधर नीचे, देखो उधर देखो ना हस्ताक्षर। समझ गए तुम, पीछे चलो। तुकाराम हुमायूं ने तुम्हारे परदादा को वो जमीन लिख कर दी थी। ठीक मिला वकील साहब। एक बात समझ में नहीं आई, आप जरा सोचिए, हुमायूं जो है आगरा से निकला, वो महाराष्ट्र पहुंच गया। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद उसने एक छोटे से गांव में जाकर के इसके मराठा परिवार को ढूंढा और उसे कहा, भैया तुम कहां थे, ये लो ये जमीन के दस्तावेज मैंने आपके नाम कर दिए हैं, मुझ पर मेहरबानी करो नहीं तो मुझे भारत छोड़ना पड़ेगा, प्लीज प्लीज। तुकाराम है? अरे तभी अपने देश में अंग्रेजी नहीं था साहब, वो प्लीज कैसे बोलेगा। उसने बोला कृपा करके रख लो। ए तुकाराम तुम कोर्ट को बेवकूफ मत बनाओ, सच सच बताओ दस्तावेज तुमको कहां से मिले? बाहर मिलता है 20 रुपए किलो में, तुमको नहीं मिला क्या? मिला देखिए। बात करता है साहेब, वो हुमायूं बादशाह है ना, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पे शिकार करने आए थे, जहाँ अचानक उनका तबीयत बहुत खराब हो गया ना, ऐसा पर सकड़ लगा उनको। क्या हो गया? बुखार हो गया? अरे बुखार नहीं संडास। ऐसा संडास के पल 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 बस 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 बस। इतने हकीम आए, इतने वैदाए, पर ठीक ही नहीं हो रहे थे। हाँ फिर मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा वहां पहुंचे और उन्होंने बादशाह हुमायूं को औषध की एक पुड़ी में ठीक कर दिया। एक पुड़ी औषध की ठीक कर दिया। बादशाह हुमायूं खुश हो गए और खुश होकर बोले, बोलो बोलो तुमको इनाम में क्या मांगता है बोलो। हाँ और तुम्हारे परदादा ने इनाम में ताजमहल मांग लिया है ना। मेला समझतच नहीं, ये काला कोट भाड़े का है क्या? क्यों हुमायूं बादशाह के टाइम में ताजमहल था ही नहीं। या इस करेक्ट। वकील साहब आप इतिहास भूल गए। मिलोर्ड मुझे सब मालूम है, मैं तो इसे आजमा रहा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिलोर्ड कि वो जमीन इसकी कैसे हो गई? अरे मैं वही बता रहा है, बादशाह हुमायूं ने मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा। एक मिनट, ये तुम परदादा परदादा को भूल जाओ और सिर्फ दादा पे रहो। दादा साहब मिलोर्ड। हाँ हाँ तुकाराम, तुम बाकी सारे दादाओं को भूल जाओ, परदादा को याद रखो बस। तो साहेब बादशाह हुमायूं ने मेरे परदादा को क्या बोला कि तुम हमारे राजकीय वैद्य बन जाओ। राज अभी अभी दादा को आ गया टेंशन, आली का पंचायत, अभी बादशाह ने बोला है तो बात तो माननी पड़ेगी, ये इनकार नहीं कर सकते आए कि नहीं। तो दादा ने साहेब को क्या बोला कि बादशाह देखो मैं किसान आदमी है, मैं शेतकरी आदमी है, तो मेरे को शेती तो करना ही पड़ेगा ना, तो मेरे को थोड़ा सा जमीन किधर दे दो शेती का वास्ते। और हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे वाली जमीन तुम्हारे परदादा के नाम कर दी। अब ये बात आपके समझ में आ गया। फिर उसके बाद में मेरे परदादा ने वहाँ पे बासमती चावल उगाना शुरू कर दिया। बासमती चावल? हाँ, बासमती चावल। मिलोर्ड, आज मुझे पता चला कि बासमती राइस के फाउंडर तो तुकाराम के खानदान के लोग हैं। अरे तुम तो कैसे मालूम? अरे भैया अभी तुम्हें तो नहीं बताया। बात इधर ही खलास नहीं होता है, हम लोग के पास एक और सबूत है। हाँ साहेब, अकबर बादशाह का लेटर,
अकबर बादशाह ने लिखा है, अकबर बादशाह का लेटर। अरे बैठो ना, मैं देखता है। हाँ, अकबर बादशाह। हाँ भाई, अकबर बादशाह ने दिया है तो ये भी हमारे पल्ले कहाँ पड़ेगा। ये भी फारसी में ही लिखा है। क्या लिखा है इसमें? मिलॉर्ड, यही कि अकबर बादशाह ने लाल किला इसके खानदान के नाम कर दिया। आप नकली वकील है ना? क्यों? अरे इनको कुछ भी मालूम नहीं है। अरे लाल किला भी शाहजहां ने बनाया था। नहीं, लेकिन अभी तुम मेरे को क्या बोलेगा कि तुम मेरे को आज मार रहा था, है ना? साहब कैसे है? वो अकबर बादशाह ने हमारा लगान माफ कर दिया था। क्या हुआ साहेब? अकबर बादशाह के यहाँ जब वो शहजादा सलीम पैदा हुआ ना, तो एकदम खुशी का माहौल था। एकदम वो लोग आ रहे, दावत चल रहा है, पार्टी पार्टी चल रहा था एकदम। तो वो पार्टी में बासमती चावल हमारे यहाँ से गया। वो बासमती चावल सब मेहमानों ने खाया और सब एकदम खुश हो गए, सबने उसकी तारीफ की। तो अकबर बादशाह ने मेरे परदादा को बुलाया और बोले, अरे शांताराम, तेरा बासमती चावल तो ये हुआ ना, आज से तेरा लगान हमेशा हमेशा के लिए माफ। यही बात उसमें लिखा है। वो देखो, उनका हस्ताक्षर भी है, मोहर भी है। ये देखो, ये मोहर है। तुकाराम, मैं समझ गया। तुकाराम, तुम वहां जाओ। हाँ सर, जाते। फिर साहब, उसके बाद क्या हुआ? 1631 में जब वो शाहजहां की बीवी मरी ना, तो शाहजहां ने उसका समाधि बनाने के लिए हमारा जगह पे कब्जा कर लिया। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। तारीख गवाह है कि शाहजहां ने वो जमीन राजा मान सिंह के पोते मिर्जा राजा जयसिंह से चार हवेलियों के बदले में ली थी। अरे साहेब, वो अकबर बादशाह ने 1600 में वो जमीन मान सिंह को दी, लेकिन उसका पहले 1539 में बादशाह हुमायूं ने मेरे परदादा को दी। तो जमीन पहला किसका हुआ, मान सिंह का कि हमारा? हमारा? अरे आपका नहीं, हमारा। मेरा मतलब, आगे बोलो। हाँ, अरे वो शाहजहां ने तो मेरे परदादा से बात पर नहीं किया। मेरे परदादा को तो जमीन देने का नहीं था, पर शाहजहां ने मानसिंह का जो पोता है ना, मिर्जा जय सिंह, उसको सामने करके ये पूरा जमीन उसका है ऐसा दिखा के छीन लिया। अरे साहेब, आज का टाइम में कैसा है, जमीन के वास्ते धांधली होता है ना, वो टाइम पे भी वैसा ही था। ये मेरा परदादा का जमीन छीनने के लिए वो शहनशाह और वो राजा दोनों एक हो गया। आजकल कैसा, ये बिल्डर और भाई लोग दोनों एक साथ आता है, वैसे ही वो शहनशाह वो टाइम का बिल्डर और वो राजा वो टाइम का भाई चमायला। साइलेंस, साइलेंस। साहेब, ये अपना मतलब के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए, वैसा एकता दिखाएगा नहीं, लेकिन मतलब का बात था ना, तो गैट मैट जमा लिया। सुन रहे हैं मिलोड आप, ये तो इतिहास को भी बदलने चला है। हाँ, तो इतिहास क्या भगवान ने लिखा है क्या जो सच होएगा? भगवान ने लिखा है क्या? इंसान ने लिखा है ना। ये शहनशाह राजा लोग ने जैसा लिखवाया वैसा लिखा, और आज उन तक वही चलता आ रहा है। आहो कहे हे पण लॉर्ड माउंटन बैटन का चिट्ठी, माउंटन बैटन का चिट्ठी है। अरे बसा बसा, मैं कहता ना काय को उठता है बार बार। ये अंग्रेजी में। हाँ, ये अंग्रेजी। लॉर्ड माउंटन बैटन की चिट्ठी है साहब। क्या हुआ था, जब ये अंग्रेज लोग अपना देश छोड़ के जा रहा था ना, तभी मेरा दादाजी जाके उनको मिला था, पूरा स्टोरी सुना है साहब, तभी लॉर्ड माउंटन बैटन ने उनको एक चिट्ठी दिया था। अच्छा तुकाराम, तुम्हारे वो परदादा गांधी जी से नहीं मिले? मिला ना, मिला उसको, पढ़ सबूत पढ़े, ये देखो, ध्यान आता है। गांधी के साथ में मेरा दादाजी साहब। साहब, अरे बसा ना बाबा, कशाला उठता है सार का सार का। साहब, गांधी जी के साथ मेरा दादाजी। ये तो नहीं, वो मैं नहीं है, मेरा दादाजी है। वो हमारा खानदान में कैसा है, सब लोग एक ही शक्ल लेके एक के बाद एक पैदा हुआ है। अभी सोचो साहब, भगवान ने दिया हुआ ये शक्ल आज तक हम लोग ने किसी को नहीं दिया, तो अपना मालकी का जमीन कैसा देगा? ये छोड़ो, तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा होगा, अरे भाई तुम ये ताजमहल को तोड़ो और अपनी जमीन ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या बोला, अभी ये सारा ये बंटवारे का लफड़ा चलता है ना। हाँ। अभी एक बार ये मैटर हो जाएगा ना, उसके बाद में तुम्हारा मैटर लेगा, लेकिन किसी ना समझ ने उनको गोली मार दी। तो तुकाराम, तुम्हें क्या लगता है, ये ताजमहल जो है अब तुम्हें दे देना चाहिए, है ना? साहब, आपको सबूत चाहिए था, सबूत मैंने आपको दे दिया साहब, और कानून में लिखा है ना साहब,
कि किसी ने अगर दूसरे का जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो उसको जेल में डालेंगे साहब, और सबूत देखने के बाद वो जमीन जिसका भी है उसको वापस दे देंगे, ऐसा लिखा है ना साहब। बाकी फैसला आपके हाथ में। लैब में भेजकर ये सारे दस्तावेज चेक कराए जाएं, तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। आज तुकाराम ने अपनी मजबूत दलीलें और ताजमहल जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करके सरकार को सख्त में ला दिया है। तुकाराम की मजबूत दलीलों ने सरकार से हरकत मच गया है। सरकार हरकत में आ गई है। जमीन मामले में खून पकड़ लिया। गांधी के देश में आज ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। मेरे को लगता है यूपी में सरकार को ही चाल चल रही है। तुकाराम के इस दावे में कुछ सच्चाई दिख रही है। सरकार हिल गई है, इससे ताज जमीन की उसकी दावेदारी मजबूत हो गई है। अब देखना है दस्तावेज की जांच के बाद ताज जमीन विवाद क्या मोड़ लेता है। ये देखो अब ताजमहल पे भी मुकदमा ठुक गया है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस ताजमहल विवाद पर? अमा कहना क्या है, पहले तो हम इसे शाहजहां का ताजमहल कहते थे, लगता है अब तुकाराम का ताजमहल कहना पड़ेगा। क्या हो रहा है इस देश में? तो देखा आपने, इस समय सारे देश में चर्चा है कि ताजमहल किसके नाम से जाना जाएगा, शाहजहां के मोहब्बत की निशानी या तुकाराम के पुरखों की सेवा का फल। खैर इस बात का फैसला तो अदालत की अगली तारीख पर ही होगा। मिलॉर्ड, अब मैं आपके सामने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने जा रहा हूं जिससे ये केस पानी की तरह से साफ हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि तुकाराम का ये दावा दरअसल एक साजिश है, जालसाजी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि एएसआई के ऑफिसर श्री ए पी श्रीवास्तव को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। मिलॉर्ड, इनकी पारखी नजर तुकाराम के ड्रामे का पर्दाफाश कर देगी। ये वही ए पी श्रीवास्तव हैं जिनको माननीय अदालत ने दस्तावेजों की सच्चाई का पता लगाने का हुक्म दिया था। हाँ तो श्रीवास्तव जी, आप अदालत को बताइए कि इस आदमी ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, जो भी सबूत अदालत के सामने रखे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? वकील साहब, हमारी पूरी टीम ने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच बहुत बारीकी से की है। मेरा तजुर्बा कहता है ये सब असली है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? देखिए श्रीवास्तव जी, आप ये बात किसी दबाव में आकर तो नहीं कह रहे? वकील साहब, अब कौन दबाएगा मुझे, मेरी उम्र भी नहीं रही है और फिर मेरे पास दबाने को बचा क्या है? लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स एकदम असली हैं? मिलॉर्ड, पूरी जांच रिपोर्ट इसी फाइल में। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जा सकते हैं। इसके पहले कि अदालत कोई फैसला सुनाए, आप लोग इस केस के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? साहब, मेरा सबूत असली है, इसका रिपोर्ट आपका सामने है, आप फैसला पास कर दो ना, मैं जाके अपना जमीन ले लेता है। तुकाराम, अभी फैसला नहीं हुआ है। अदालत ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ेगी, मशवरा करेगी, उसके बाद फैसला होगा। ठीक है साहब, मैं आपका बात मानता है, आप कभी गलत नहीं बोलेगा साहब, मेरे खाली एक ही बात बोलने का है। मैं मानता है कि अभी वो ताजमहल का जो जमीन है वो पूरी तरह से मेरा हुआ नहीं है, मैं मानता है, अभी उस पर केस चलता है, फैसला सुनाने का बाकी है। तो कायदे से अभी वो जमीन पूरी तरह से सरकार का भी नहीं है सर। तो जभी तलक ये केस का पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाता है, तभी तलक ताजमहल बंद रखने का ऐसा मैं विनंती करता है। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, ये इंसान ताजमहल पर स्टे मांग रहा है। मांगता है साहब, मांगता है, वो जो स्टे है वो मैं मांगता है, काहे को मालूम है साहब, अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये सरकारी वकील, इनका सरकार अगले 5-10 साल तक मेरे को ऐसा ही गोल 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 घुमाता रहेगा और इस केस का कभी फैसला होगा ही नहीं। मैं गरीब आदमी है साहब,
हमारे लिए आप ही सब कुछ है। आपका फैसला भगवान का फैसला है। आज अगर आपने हमारे साथ नाइंसाफी किया ना साहब, तो ये भगवान पे से, अच्छाई पे से, कानून पे से विश्वास ही उड़ जाएगा हमारा। बस मैं इतना ही बोलता है साहब। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कोई भी फैसला करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि ताजमहल हमारे देश की धरोहर है। मिलॉर्ड, बस मुझे इतना ही कहना है। ताजमहल हमारे देश की शान है, ये सारी दुनिया को पता है। मगर तुकाराम ने जो सबूत पेश किए हैं, उन्हें अगर आधार माना जाए तो ऐसा लगता है कि ताजमहल की जमीन तुकाराम के खानदान की है। किसी की जमीन जबरदस्ती छीन लेना एक जुर्म है। इसलिए अदालत की यह राय है कि सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट इस केस से संबंधित हैं, तुकाराम राव साहब मराठे के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें, वरना 15 दिनों के बाद अदालत अपना फैसला सुना देगी। इन द मीन टाइम तुकाराम की विनती पर गौर करते हुए अदालत ताजमहल को बंद करने के लिए स्टे ऑर्डर इशू कर रही है। जब तक किसी के भी हक में इस बात का फैसला नहीं हो जाता, ताजमहल टूरिस्ट के लिए बंद रहेगा। महल देश की शान है। Now the big story. स्टे ने मानो भूत चार साल आ दिया है। केंद्र सरकार हिल गई है। The Foreign and Commonwealth Office has advised tourists not to go to Agra until next notice. अब तक के इतिहास में ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना बन चुकी है। ताजमहल पे जो स्टे हो गया है, उससे टूरिस्ट इंडस्ट्री को और होटल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है। आम आदमी की इस लड़ाई में अब देश की जनता भी जुड़ रही है। आज जगह जगह तुकाराम के समर्थन में कई रैलियां निकाली गई। कोर्ट ने तुकाराम के हक में फैसला कर दिया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब तो एक ही रस्तो बचो है बड़ा भैया, जाखूं मरवा दे। बस मरवाने का बहुत शौक है तुमको। अरे ई ना भूलो कि तुम अब जेल मंत्री हो, रंगबाज नहीं हो। बस इतना याद रखो कि अगर उनको ताजमहल मिल गया ना, तो अगले इलेक्शन में हम सबकी जमानत जब्त। अब बैठे बैठे मुंह का ताक रहे हो। अरे जाओ पटाओ तुकाराम को, जाओ। हर रोज जो लोग ताजमहल के साथ फोटो खिंचवाने आते थे, आज वो तुकाराम के साथ अपनी फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। इससे एक बात तो साबित हो जाएगी। He's the real owner of Taj Mahal. Glad to meet you, Mr. Shahjahan. No. Shahjahan duplicate. He's the pure, the real owner of Taj Mahal. Tukaram. Pleased to meet you, Mr. Tukaram. भाई बहुत बहुत बधाई हो तुकाराम, आखिर तुम जीत ही गए। देवा जी कृपा है, घंटा बजा दिया तुमने सरकार का। पुतुराम, व्रत तो तोड़ दिया होगा तुमने। हाँ। ये लो आ, 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 बेटा तुम भी लो आ, 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 बाकी सब जो है पब्लिक में बांट दे। ये इसलिए है ताकि तुम्हारी जीत को दुश्मनों की नजर न लगे। धन्यवाद।
आप सब लोगों ने हमारे वास्ते बहुत कुछ किया। घंटा तुम्हारे वास्ते? घंटा जो हमारा चुनाव चिन्ह है ना, वो तुम्हारे वास्ते है। तुकाराम, आज के बाद जब तक ये जमीन तुमको पूरी तरह से नहीं मिल जाती ना, तब तक हम तुम्हारे साथ हैं। विसर्जन जी आ गए। वो देखो, विसर्जन यादव आप आगे क्या कर रहे हैं? पीछे आप आगे पीछे। देखो जी, ना तो हम यहाँ इंटरव्यू देवे को आए और ना और लोगों की तरह भीड़ इकट्ठी करवे को आए। तुकाराम हम तो जहाँ जे बेचारे तुकाराम यहाँ की समस्या हल करने आए और यही हमारा धर्म है। नमस्कार भैया, खुदा अपन। अरे वाह 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 भैया, आपने तो कमाल ही कर दो यार। अभी तो आदत हो गया। कैसे है साहब, ये जमीन है ना, जमीन ये किसान का माँ होता है, और ये जमीन, अरे ये तो मेरा परदादी है। ये जमीन का वास्ते मेरा परदादी का आत्मा है ना साहब, बहुत भटकता है। घड़ी घड़ी मेरे सपने में आता है। अच्छा? हाँ सच्ची, मेरे सपने में आके मेरे क्या बोलते है मालूम है? क्या? तू क्या? अरे कब आजाद कराएगा अपना जमीन? आपका देश आजाद हो गया लेकिन हमारा जमीन अभी भी उनका ही कब्जा में है। पहले मुड़ जा कुतरिया। तू क्या? तू क्या? तू किया? तू किया? मैं नहीं किया। तू किया? मैं नहीं किया। मैं क्या बोलेगा उनको? अरे अभी भी आत्मा भटक रहा है उनका, देखो अभी भी देखती है। जो एक बार परदादी को पिंडदान है जाएगा तो फिर सपना में नहीं आएंगे। पूछो कैसे? कैसे? देखो, तुम्हें जो जमीन चाहिए हमें बोलो, हम देंगे। हैं? वहाँ पे मकान बनाओ। अरे तुम क्या बनाओगे? हम बनाएंगे आलीशान भव्य महल बनाएंगे। सच्ची साहब? हाउ? मुझे जो जमीन चाहिए वो मिल जाएगी। हाउ? और बाबा का राज है ये रूलिंग पार्टी, समझो बाबा को ही राज है। हाँ बा, एक मिनट। हाउ? जरा खाजगी में बात करके आता है। होम मिनिस्ट्री का संघ फैसला है का? हमने सोचा है, पर 15 दिन इंतजार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे बिल्कुल नहीं। बोल 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 बोल। तो हमको जो जमीन चाहिए हाँ। वो हम अक्खा टीवी वाले लोग के सामने बोलेगा हाँ। कल सुबह हाँ। हाँ। तो गराम ने सरकार के आगे शर्त रखी बना हुआ था, लगता है अब उसका हक बहुत जल्द ही निकल जाएगा। गांधी जी ने कहा था, प्रेम और शांति इन दोनों से बड़ा हथियार और कोई भी नहीं है, और यही बात मंत्री जी ने बखूबी साबित कर दी है। अब लगता है कि ताजमहल की जमीन जरूर बच जाएगी। ये जानने के लिए बेताब है कि तुकाराम कौन सी जमीन मांगकर ताजमहल को आजाद करेगा। ऐसो है, ये वक्त बर्बाद नहीं करना यार हमें। हां बिल्कुल, सीधा मुद्दा पे आके जो जमीन चाहिए वो हमें बताओ, तुम अपने घर जाओ, हम अपने अध्याय समाप्त। अभी कैसा है साहब, हम लोग ने ना कल रात बहुत सोचा हा? पर दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर जब कुछ नहीं सोचा ना, तब एक आइडिया सोचा। ये सुंदरी अवगढ़ अरे जे इस उम्र में भूगोल पढ़वाओगे यार, ये का है साहेब? इसमें से हम लोग कोई भी एक अच्छा सा जमीन मांग लेगा। हाँ? मैं इस नक्शे पे ये छड़ी 3 दफा घुमाएगी,
लकड़ी जिधर जिधर रुकेगा उनमें से कौन पन एक जगह हम लोग को दे देना। बस इतने ही, 100 पे। भैया जी, जमीन मांगने का ये कौन सा तरीका है? बेवकूफ बना रहे हैं हमें, ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखना आप, छड़ी फिर से वहीं ले जाकर रुकेगी ताज पर। ए, क्या बेवकूफ बना रहे, क्या बेवकूफ बना रहे मैं? हम लोग का टाइम नहीं चलता, इसलिए यहाँ पे आए क्या हम लोग? अभी तो मेरे को ताजमहल मांगते, ताजमहल मांगते। अरे जी, कैसी बातें कर रहे हो यार, बीपी बढ़ जाएगा यार। ये कहा बोल रहे हो, सयानू आदमी तुम्हारे सामने। भैया जी, ये देखने दो ना कहा बोल रहे हैं वो। हाँ जी, करो शुरू। हाँ ठीक है, चल चालू कर। छड़ी रे छड़ी कैसे बच पे पड़ी, ए छड़ी रे छड़ी छोटे बच पे पड़ी, ए छड़ी रे छड़ी कैसे। ठीक है, ये जगह तुम्हारी भाई फाइनल। ये तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है, हमको चले गया कुतुब मीनार। अरे ना 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 भैया जी, कैसी बातें कर रहे हो यार, हमें ना चले गो यार। ये कैसी बातें कर रहे हो यार, आसमान से गिर के हवा में नहीं लटक रहा है यार, दूसरी जगह देखो कोई। अरे आपने बोला था ना विशाल भवन बना के देगा, इधर तो पहले से है ना। अरे जी, गलती है गई, बोल रहे यार आगे बढ़ो। ऐसा कैसे चला देखिए पुट सके। अयोध्या में छड़ी रुकी है। हाँ, वो भी बाबरी मस्जिद पे देने का ही क्या। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आज, बार बार उंगली ऐसी जगह पे काय कर रहे हो यार तुम। अयोध्या पे 1948 से प्रॉब्लम चल रहा है, कितनी सरकारें आए कितनी गई, आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना भाई यार, हम क्या करेंगे। अरे कैसा आदमी है तुम, हमको कल क्या बोला था कि रूलिंग पार्टी है मतलब बाबा का राज है, बोला था कि नहीं? अरे भैया, हमने ये जगह दे दी तो रूलिंग पार्टी नहीं बचेगी, बाबा को राज चले जाएगा। बाबा को राज कैसे, इधर भी बचते इधर भी बचते, ऐसे चलता है क्या? ये गलती है, बोल लेना गलती भाई है, दूसरों देखो ना यार। ये लास्ट टाइम हाउ आज। ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत उपजाऊ जगह है। अरे लेकिन ये है क्या? ताज के एवज में संसद की मांग पर मंत्री विसर्जन यादव द्वारा फेंकी गई हड्डी अब खुद यूपी सरकार के गले में अटक गई है। कभी ताजमहल कभी संसद, ये तो सरासरी ब्लैकमेलिंग है, इट्स ऑल डर्टी पॉलिटिक्स। साथ ही इस उलझन उल मांग से केंद्र सरकार की मुश्किल और भी बढ़ गई है, इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। तुकाराम की मांगे पूरी हो न हो, हमारी राजनीति चलती रहनी चाहिए, उनकी सरकार को हटा कर वहाँ भी हमारी सरकार लानी है तो इस बात को बढ़ने दो। आग लगाई तुकाराम ने, जलेगी वहां की सरकार, हम तो दिल्ली में बैठकर तापेंगे आग। इसी को कहते हैं राजनीति। मंत्री जी, क्या फैसला हुआ, क्या तुकाराम को पार्लियामेंट दे दिया जाएगा? मजाक है क्या, कोई भी आदमी कुछ भी आकर मांग लेगा सरकार उसे दे देगी क्या? देखिए, तुकाराम को ना ताज मिलेगा ना पार्लियामेंट। घंटा मिलेगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है सरकार तुम्हें पार्लियामेंट दे देगी? जे ताज भी गया और पार्लियामेंट भी, देख लेना जे विसर्जन यादव करा गया तुम्हारे अरमानों का विसर्जन। जब महिला इधर हर आदमी चोर है, आम आदमी को बस घुमाते रहने का, गोल 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 गोल, अभी बहुत घूम लिया मैं, अभी मेरे साथ वही आदमी बात करने को आना मांगता है जो कम्प्लीट ईमानदार है, न कभी रिश्वत लिया होगा न रिश्वत दिया होगा, और वो भी 24 घंटा का अंदर। नहीं तो राय भवानी शपथ, देख लेना यार तुकाराम राव साहब मराठी क्या करता है। कुल 24 घंटा। अरे हम ही पूछते हैं भैया, कितने कम समय में कहां से ढूंढ के लाओगे सच्चा और ईमानदार आदमी? अरे भैया, इतने बड़े देश में कोई तो सच्चा और ईमानदार होगा। अरे होगा तो ढूंढो उसको भाई।
खबर आई है। 24 घंटे खत्म होते ही तुकाराम बुलडोजर लेकर ताज की तरफ निकल चुका है। सर वो बैरिकेडिंग तोड़ करके ताज की तरफ जा रहा है। ऑर्डर दीजिए सर। देखो ये बखत ऑर्डर लेने का नहीं है, एक्शन करने का है। बस मार दो गोली। पक्का मार दूं? अरे मार दो गोली। ठीक है सर। तुकाराम रुक जा, नहीं तो मैं आज गोली मार दूंगा। आज मुझे पता चलो कि मेरी धमकी में कितनों दम है। जी आपकी धमकी में दम ना है, वो देखो कौन है। अरे ये कौन है? आपका उम्र देख के बुलडोजर रोका मैं, अभी बाजू हटो, जाने दो मेरे को। सुनो मैं तुम्हें रोकने के लिए ही यहां आया हूं। आप रोकेंगे मेरे को? कायकू कायकू, आप है कौन? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है कौन आप? उन लोग को देश का चिंता नहीं है, आपको बहुत चिंता है देश का। मैं इस देश का नागरिक हूं और आजाद हिंद फौज का सिपाही हूं। हमारे कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश से हम हैं और हमसे देश। तुमने बोला था ना कि कोई सच्चा और ईमानदार आदमी ही तुमसे बात कर सकता है, इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। सबूत क्या है? क्या सबूत है कि आप ईमानदार हैं? इतना साल इस देश में रहने के बाद भी कभी रिश्वत लिया है दिया नहीं क्या आपने? रिश्वत? हाँ रिश्वत। रिश्वत लेने देने से मेरा क्या संबंध? मैं तो देश का सच्चा सिपाही हूँ, फिर भी हालात से जूझ रहा हूँ। मेरे जिंदा रहने का सबूत तक नहीं है मेरे पास। सरकारी रिकॉर्ड में तो मैं मर चुका हूँ और तुम मुझसे ईमानदारी का सबूत मांग रहे हो। सुभाष चंद्र जी ने हमें ईमानदारी की शिक्षा दी थी लेकिन अफसोस उसकी कोई कदर नहीं। अरे भाई ये तो एकदम पक्के देशभक्त है ना। अरे भाई इनकी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। एक बात बोलो सीएम साहब। हाँ बोलो। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? हैं? अरे आप लोग देश चलाते हैं लेकिन आपके पार्लियामेंट में एक आदमी नहीं है जो सच्चा और ईमानदार है। अगर कोई होता तो ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर के आते? अरे तो काका अभी आप ही बोलो ना, अब बोलो मेरे को क्या करना चाहिए, बोलो। खेत चाहिए ना तुम्हें, तो किसी खाली पड़ी जमीन से तुम्हारा काम चल सकता है। तो फिर ताजमहल को ही क्यों तोड़ना चाहते हो? ये तो अपने देश की संपत्ति है, धरोहर है, इसे क्यों नष्ट करते हो भाई? अगर सच्चे देशभक्त हो तो देश की भलाई के बारे में सोचो ना। अरे पर इनका क्या भरोसा काका, इन लोगों का क्या भरोसा? अभी क्या गारंटी है कि मैं जो जमीन चुनेगा ये लोग मेरे को दे देंगे, क्या गारंटी है? अरे गारंटी मैं हूँ ना भाई, मैं वादा करता हूँ कि तुम जो जमीन बोलोगे तुम्हारा नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी। पक्का? आओ सीएम साहब ने जो कह दो सो कह दो। ए सुंदरी आंते चम्मा आयला। धरो आचार, अब हमें खट्टो खिलाओगे का? नहीं नहीं। अरे आचार नहीं रे बाबा, विचार। अच्छा विचार करने का और हांडी में से एक चिट्ठी निकालने का। क्या है, हांडी में 10 चिट्ठी है, 10 चिट्ठी में 10 गांव का नाम लिखा है। वो जो आप चिट्ठी निकालेंगे वो गांव का जमीन हमारे नाम पे कर देने का है। बराबर है, अभी तो मैं 10 चिट्ठी निकालेगा तो कल पलटी मार के कल्टी तो नहीं खाएगा ना। पहले तो ये बताओ कि इसमें गांव का ही नाम लिखा है ना। ओके। अरे बड़े भैया उठाओ चिट्ठी और करो छुट्टी, हमें भी चैन मिलेगा, खत्म करो जाए।
खाली खो जा मैं। पहला पढ़ाई लिखाई किया होता तो अभी तकलीफ नहीं होता ना। अरे गांव का नाम निकला है बुद्रुक बिबड़ापुर। बुद्रुक बुद्रुक बिबड़ापुर हमारा चालेल। बुद्रुक रहने दो, अभी इसने बोला ना अभी ट्रेस मत लो। ये गांव का जमीन हमारे नाम पे कर देने का कल। समझ लो भैया तुम्हारे नाम हो गई है जमीन। अरे ऐसे समझने से काम नहीं चलता इधर। कल सुबह सबके सामने, सब मीडिया वाला लोग का सामने, कागज पे लिखने का, उस पे हस्ताक्षर करने का और नीचे सरकार का मुहर लगाने का, तभी मैं समझेगा कि जमीन हमारे नाम पे हो गया। समझ लो भैया हो गया, कल का कल हो जाएगा, चिंता मत करो। यार सीएम साहब ने एक बार जो कह दो सो कह दो यार। तत्तन भैया अभी तक तो सुना था लोग मझधार पे ले जाके डुबावे, जाने तो हमको किनारे पे लाके डुबा दिया, अब हम का करेंगे? वही जो अब तक करते आए हैं। का घंटा हिलाएंगे। हम आपसे नाराज चल रहे बड़े भैया। काहे भाई? अरे जब तुकाराम ताजमहल तोड़ने जा रहा हो तो भाई गिरफ्तार का ही नहीं करवा दो? कितो बड़ो अपराध करो बाने, कोर्ट के आदेश की अवमानना करिए। आप चाहते एक मिनट में उसे गिरफ्तार करवाने के लिए वारंट इशू करवा देते। तुम होने रे मूर्ख। अरे भैया अगर हम उसे गिरफ्तार करवा लेते तो वो तो जनता के निगाहों में हीरो बन जाता और हम विलेन, और इसी बात का फायदा अगले इलेक्शन में अपोजिशन वाले उठा लेते। वो तो कहो हमारी किस्मत अच्छी थी जो उसने जमीन मांगी महाराष्ट्र में, बस हमें मौका मिल गया और हमने अपनी सारी समस्या महाराष्ट्र सरकार के कंधों पर डाल दी। लेकिन एक डाउट उठ रहा हुआ हमारे मन में। अब का डाउट है भाई? जो जमीन महाराष्ट्र सरकार बाय देगी वो किसी और के नाम निकली तो? भले अगर सरकार को ताजमहल बचाना है ना तो वो जमीन खरीद लेगी और सरकार को कौन ना बोलेगा? खुद आदित्य बिरानी, आदित्य बिरानी, मैं ये सब मेरे पापा का सपना है और मुझे हर हाल में इसे पूरा करना है। एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लें, अगर ये जमीन मेरे हाथ से गई तो अगले इलेक्शन में आप दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। आप मेरी बात पर यकीन तो करिए वीरानी साहब, वो दिल्ली से ऑर्डर आया था इसलिए हम कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, आप दोनों की पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है और वो भी मेरे बलबूते पर, और आज आप लोग मिलकर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता और भरोसा नहीं कर सकता। खुशी है कि हमारे शहर के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को आज एक नया जन्म मिला है। केंद्र सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाकर हमारे ताज को बचा लिया है। हे देवा, आज हम लोग को अपना जमीन मिलने वाला है, उसके वास्ते धन्यवाद। हम लोग कल से ही इस जमीन पर अपना खेती शुरू कर देगा। हे सुंदरी, हमारा दुख का टाइम में यह हमेशा अपने साथ था, आज हमारा जीत में भी ये अपने साथ ही चलेगा। हो काना मेरे तू सर्वव्यापी, तेरी अद्भुत है माया। हो तुम विराट कभी रूप धरे, कभी धरे लघु काया। खींचत चीर तू शासन हारे, डूबत गज को छन में उबारे। अद्भुत है माया, हो तुम विराट कभी रूप धरे, कभी धरे लघु काया। तुकाराम, क्यों तुम मुख्यमंत्री के बातों के जाल में आ रहे हो? जे अपने गले में फंसी हड्डी को निकालने के चक्कर में तुम्हें जो है जमीन का लालच देकर तुमको फंसा रहे। हाँ साहब, उन्होंने मेरे को जबान दिया है कि जमीन देंगे। चलो तो करो। हाँ सर, खबर ही अब क्या करेंगे? मूर्ख, सबरे करे कराए पर पानी फेर के धर दिया। मैं भाई तुकाराम मराठे को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपनी समझदारी से सही कदम उठाया और हमारे देश को ताज मामले के कारण हुई कि गिरी से बार। धन्यवाद।
गोलीबारी में मुख्यमंत्री बाल बाल बचे, इस हमले की विपक्ष ने घोर निंदा की। गोली चलाने वाले को गिरफ्तार तो किया जा चुका है, पर इस बात का पता भी नहीं चलाया जा सका है कि इसके पीछे के बावजूद कातिल गोली चलाने में कामयाब रहता है। आखिर इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हरकत या फिर शर्मसार? तन्वी, तुम्हें क्या लगता है कि तुकाराम के मरने पर हमारे चैनल वालों का फायदा होगा या नुकसान होगा? उसकी मोहब्बत और प्यार के लिए फायदा। चलो डॉक्टर, क्या हाल है हमारे तुकाराम का? खून बहुत बह गया है, कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। मुझको दिला दे माना मेरा ये जहां, जमी खोई है मेरी खोया आसमान। तू ही बता मेरे खुदा, मेरे खुदा रहा दिखा। तू ही बता मेरे खुदा, मेरे खुदा रहा दिखा। ये बंदगी है रब तेरे वास्ते, कोई सी मंजिल है भटके हैं रास्ते। दर पे तुम्हारे मौला बंदा ये आया, मुझको दिला दे मेरी जमी आसमान, जमी आसमान। बता मेरे खुदा, मेरे खुदा रहा दिखा। तू ही बता मेरे खुदा, मेरे खुदा मुबारक हो, तुकाराम को होश आ गया है। हाँ, आप उनसे मिल सकती हैं। Can't do this anymore. What? Just relax, Riya. We're like
this close to finishing the fight. I don't want to fight at the cost of your life. I almost lost you. We're not fighting this war anymore. You're not leaving this till the job's done. I'm not. Look at her. What's her fault in this? आ जाओ बाबा आ जाओ. ये लोग किसे कह रहे? तुकाराम, ये लोग तुमसे कछु बात करना चाहते हैं. लेकिन ये लोग कौन है? मैं पहचाना नहीं. ये बब्बन राव शिंदे, राष्ट्रीय मानव पार्टी के अध्यक्ष. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. और ये आदित्य वीरानी, हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट. और बाप. नमस्कार, कैसे हो? हाँ अभी ठीक है. और ये हसन, हसन अली. हाउ, ये भी बहुत ही बड़े वाले बिजनेसमैन. अच्छा अच्छा. नमस्कार. आप लोग बात कर लीजिए. ये तुमसे कछु बात करेंगे. हाँ. तुमने बात को समझ लेनो है. हाँ. समझने के बाद हाउ बोल देनो है? हम जात हैं. चलो रे. तुकाराम, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है. हाँ जा बेटा, ही बरोबर जा. प्यारी बच्ची है. ये दरवाजा काहे को बंद किया? तुमसे कुछ खास बात करनी है ना. मेरे से? अरे मेरे जैसा मामूली किसान के साथ ऐसा क्या खास बात करने का आपको? हा? अरे नहीं तुकाराम जी, आप मामूली आदमी नहीं है, आप तो हीरो बन चुके हैं, हीरो. अरे नहीं 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 बाबा, मेरे को हीरो हीरो बनने का नहीं है. मेरे को मेरा जमीन मिल गया ना, बहुत हो गया बस. जमीन अभी मिली कहाँ है? और वो पेपर्स भी तुम्हारे हाथ में तो नहीं आए ना. ऐसा काहे को बोलते हैं? और इससे आप लोग का क्या वास्ता है? हम तुम्हें 100 एकड़ जमीन देंगे, लेकिन तुमने अभी जो जमीन मांगी है ना, उसे भूल जाओ. काहे को? अरे भाई, उस जमीन पर आदित्य साहब का 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लग रहा है और 10,000 करोड़ इन्वेस्ट भी हो चुके हैं. अरे बात सिर्फ पैसे की नहीं है. बात सिर्फ पैसे की नहीं है तुकाराम भाई. अरे भाई, बात है भावना की, इमोशंस की, सपनों की. ये प्रोजेक्ट मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है. इसे मुझे उनके बेटे को हर हाल में पूरा करना है. और इस जमीन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए मेरे पापा ने बहुत सारे सपने देखे, बहुत प्लानिंग की, बहुत पैसा खर्च किया. तुकाराम जी, दरअसल बात यह है कि इस जमीन को हमने किसानों से बहुत महंगे दामों में खरीदा है. हाँ, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है. तुम किसानों से जमीन खरीदा नहीं है, छीना है. है कि नहीं? क्या मतलब? जयंत तुपकरी का नाम तो सुना ही होगा ना. नहीं साहब, ये लोग को ये चेक नहीं मांगते साहब. हम लोग विकास के वास्ते अपनी जमीन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देने को राजी हुआ, पर तुम लोग 500 बीघा से 500 एकड़ जमीन पर कब्जा करायला बगता है. पर साहब, ऐसे तो हम लोग बेघर, बेघर बार और बेरोजगार हो जाएंगे साहब. पर पैसे तो दे रहे ना तुझे साहब. आप अपनी माँ को कितने में बेचेगा साहब? क्या तेरी तो माँ क्या गुस्सा आ रहा है ना? ए आता माझी कॉलर छोड़, नहीं तो इन लोगों को तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचने में जास्ती टाइम नहीं लगेगा. छोड़ो हसन अली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो. अच्छा होगा साहब, अभी आप लोग इधर से जाओ, वरना ये गांव वालों का गुस्सा तुम जानते हो ना साहब. माझा मरद काय बोला, समझ में नहीं आया क्या? अब जाओ इधर से, जाओ कहती हूँ ना, जाओ. अच्छा ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी. चलो हसन अली. अब कौन है?
लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फायदा उठा के किसानों का जमीन को हथिया लिया है ना? तुम्हारा इन सब बातों से क्या मतलब? क्योंकि उसी गांव की मिट्टी में खेल कूद के मैं जवान हुआ। हसन हसन हसन, टेक इट इजी। तो तुम तुकाराम नहीं हूं मैं। अपनी पहचान छुपाने के लिए मैंने अपना नाम बदल दिया ताकि तुम्हारे जैसे लोग मेरी असलियत ढूंढते रह जाए। मेरा नाम विवेक तुपकरी है और जैन तुपकरी मेरे बड़े भाई थे। मेरे भाई ने मेहनत करके खेत जोत के मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, एक वकील बनाया। आज मैं हिंदुस्तान में नहीं लंदन में अपने वकालत की प्रैक्टिस करता हूं। पर साला लानत है ऐसी प्रैक्टिस पे जो अपने भाई और भाभी को इंसाफ नहीं दिला सकती। जब मुझे भाई और भाभी के बारे में पता चला तो मैं गांव पहुंचा। गांव वालों ने मुझे पूरी हकीकत बताई और फिर मैंने सोचा कि साला जिस केस में इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना बड़ा नेता और इतना बड़ा गुंडा शामिल है, हाँ मेरी आवाज को कौन सुनेगा? 2 मिनट में तुम लोग मेरी आवाज दबा देते। इसलिए मैंने ऐसी आवाज लगाई कि जिसकी गूंज ने सिर्फ हमारे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और वो आवाज थी ताजमहल की। 2 साल से तैयारी कर रहा था मैं, और इस मिशन में रिया हर कदम पर मेरे साथ थी। रिया, सुनंदा बीवी नहीं है मेरी, गर्लफ्रेंड है और एक कंप्यूटर एक्सपर्ट। हमने हर जगह से इंफॉर्मेशन निकाली, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, इंटरनेट, किसी सोर्स को नहीं छोड़ा। ऐसे सबूत तैयार किए और ऐसी बारीकी के साथ किए कि बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी धोखा खा गए। सबूत है ना, कागज पत्र सब मेरे पास है। वाह, लॉर्ड माउंटन बाइटन का चिट्ठी, उनका हस्ताक्षर भी है, मोहर भी है। अकबर बादशाह का लेटर, अकबर बादशाह, गांधी के साथ मेरा दादाजी। वकील साहब, ये सब असली है। मेरे भाई और भाभी को तो मैं इंसाफ दिला नहीं सका, पर मैंने कसम खाई है कि भले मेरी जान क्यों न चली जाए लेकिन इन किसानों को मैं इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। तुझे वो जमीन किसानों के लिए वापस चाहिए? हाँ, और आज अगर मेरा ये आंदोलन कामयाब हो गया ना तो हमारे देश के हर किसान में लड़ने की हिम्मत पैदा होगी, और फिर तुम जैसे छिछोरों को ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। अबे, तेरा आंदोलन तो तब सफल होगा ना जब तू यहाँ से जिंदा बाहर जाएगा। क्या करेगा साले, मारेगा मुझे, मारेगा साले। हाँ, मुझे मार के यहाँ से निकले कैसे? ओए, जैसे तेरे भैया भाभी को लटका कर निकल गए थे ना, अब तेरा भी वही अश होगा। आज तेरी आवाज ही बंद कर दूंगा मैं। अभी तेरी आवाज जल्दी करो। दरवाजा खोलो। जमीन के लिए आवाज निकल रही है। दरवाजा खोलो। तेरे भैया भाभी के पास तुझे भेजता हूं मैं। हम लोग बात कर रहे हैं। दरवाजा खोलिए, हम एसएसपी पीपे के सिंह बोल रहे हैं। ले जमीन ले, ले डोंट ब्रेक द रूल्स, ले हॉस्पिटल है ये, दरवाजा यहां पर शोर मत कीजिए। तो मैं क्या करूँ? आप कुछ मत करिए, अब जो करना है हम करेंगे। जमीन अभी और एक बात और मिलेगा। प्रोजेक्ट मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे मुझे उनके बेटे को हर हाल में पूरा करना है। जैसे तेरे भैया भाभी को लटका कर निकल गए थे ना, तुझे वो जमीन किसानों के लिए वापस चाहिए। हाँ।
आज तेरी आवाज ही बंद कर दूंगा मैं। अभी तेरी आवाज निकल रही है ना बाहर, हैं? स्क्रीन के लिए आवाज निकल रही है ना? ये, अभी तेरे ये ऑपरेशन किसान था और अब पूरी दुनिया देख रही है कि हकीकत क्या है और ये लोग क्या है। ये ऐसे नेता, ऐसे पूंजीपति या ऐसे गुंडों के बलबूते पर इस देश पर राज कर रहे हैं। मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूं, मैं बस अपने गांव के किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर आया हूं। मुझे ना तो कोई पार्लियामेंट चाहिए और ना ही ताजमहल। ये हमारी बच्ची नहीं है, ये इनके भाई की बेटी है जो बनात है। लेकिन जो किसान मर गए उनके अनाथ और बेसहारा बच्चों का क्या होगा? ये कहानी सिर्फ मेरे गांव की नहीं है, हमारे देश के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे किसान हैं जो आज भी जूझ रहे हैं। फिर चाहे मध्य प्रदेश का वो गांव हो जहाँ किसान अपने हक के लिए जल समाधि ले रहे हैं, या फिर वो गांव जहाँ किसानों ने अपने अधिकार के लिए अपनी चिता तैयार कर दी है। अरे कब तक चलता रहेगा ये सब? हम लोग तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या फायदा है ऐसी तरक्की का जहां लाखों करोड़ों किसानों की उपजाऊ जमीन छीन कर उन्हें हमेशा के लिए बेघर, बेरोजगार और बेसहारा बना दिया जाए। अरे हर जगह अगर बिल्डिंगे, मॉल्स और फैक्ट्रीज ही खड़ी करोगे तो उगाओगे क्या यार, खाओगे क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुकाराम जिंदाबाद, तुकाराम जिंदाबाद। यू ब्लडी सूडो, इस आंदोलन में कोई भी हमारे साथ नहीं था। हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सरकार को जगाने के लिए। अगर हमने कोई जुर्म किया हो तो जो सजा हो हमें मंजूर है। पहले इन तीनों को उनके जुर्म की सजा दी जाए, उसके बाद हमें जो भी सजा दी जाएगी हमें मंजूर है। दबाव से आदित्य विरानी की जमीन की डील कैंसिल कर दी गई है। बबन राव शिंदे को 10 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया और हसन अली के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। लेकिन विवेक तुपकरी उर्फ तुकाराम और रिया उर्फ सुनंदा को कोर्ट ने अगले आदेश तक देश ना छोड़ने की हिदायत दी है। मैं तन्वी रहमान, अब तक न्यूज आगरा से। जेल मंत्री से डिमोशन करके बाल विकास में डाल दो यार। अरे बेटा दारू नहीं दे रहे, पोलियो दे रहे। ये गोद में ले लो जाए। हेल्थ कार्ड है बड़ा कॉस्टली, सिम कार्ड है फ्री, दुनिया से